सपनों के शहर मुंबई में मनराज ग्रुप पेश करता है मनराज व्यू, जो शहर के बीचों बीच एक घर खरीदने का मौका दे रहा है। आपके बजट के अनुकूल शानदार 1 BHK और 10 मंजिला टॉवर और कीमत सिर्फ 75 लाख रुपए, और यह सब उपलब्ध है कुर्ला अंधेरी रोड, साकिनाका मेट्रो स्टेशन और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नजदीक। मनराज व्यू में घर होना यानी आराम और सुविधा का पूरा आनंद। जल्दी करें, अनुकूल बजट में ऑफर केवल सीमित अवधि के लिए। पीएम आवास योजना और लोन सुविधा भी उपलब्ध, शर्तें लागू। स्वागत है आप सभी का डीआरबी न्यूज पर, मैं राहुल पांडे। एक महीने पहले मानखुर से वासी के लिए की तरफ जाने के लिए जो ब्रिज बन रहा था, उसका उद्घाटन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने किया था। हालांकि उसे लोगों के लिए खोलने के बाद ठीक एक महीने के कम समय के अंदर उस ब्रिज पर एक के बाद एक कई हादसे होने लगे, और हादसे ही नहीं, सिर्फ ब्रिज पर जो है छोटे छोटे गड्ढे जो है कई लंबी दूरी तक जो है छोटे छोटे गड्ढे जो है वो दिखाई दे रहे थे। खबर मीडिया में आने के बाद डीआरबी न्यूज़ ने जो है इस खबर को जो है लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की और दिखाया कि किस तरह से एक महीने पहले लोगों के लिए खुला नया ब्रिज अब कैसे जो है उस पर जो है छोटे छोटे खड्डे हो रहे थे। हादसे भी हुए थे, एक व्यक्ति की मौत भी हुई, लेकिन उसके बाद अब जो बताया जा रहा है कि अब इस ब्रिज को जो है बंद कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है और या इस वासी की तरफ जाने वाला जो रास्ता है उसे पूरी तरह से बंद कर दिया है। वासी से मानखुर आने वाली जो साइडें हैं वो आप देख सकते हैं कि उस एक रास्ते को चालू रखा है जो वासी से मानखुर की तरफ आते हैं, और बाकी की जो इधर का जो मानखुर से वासी की तरफ जाने वाले रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। यही अब जो है इस रोड पे जो खड्डे हैं, छोटे छोटे खड्डे हैं, उसे भरने का काम जो है प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। ये रास्ता खुलने के बाद कहीं ना कहीं आम लोगों को ज़रूर राहत मिली थी, जो ट्रैफिक की जो समस्या होती थी वासी की तरफ जाने के लिए उससे कहीं ना कहीं निजात मिली थी। लेकिन इस एक महीने के अंदर ही ब्रिज की खस्ताहाल हालत ने एक बार फिर लोगों को उसी समस्याओं की ओर बढ़ा दिया है। आप देख सकते हैं कि अब इस रास्ते के बंद होने के बाद से वासी की तरफ जो जाने वाला रास्ता है उस पर किस तरह से लंबा लंबा जाम जो है वो लगाया गया। आप देखना होगा कि ये ब्रिज आम लोगों के लिए कब दोबारा जो है शुरू किया जाता है, कब इसके काम को पूरा किया जाएगा। डीआरबी न्यूज़ ने सबसे पहले दिखाया था कि किस तरह से इस ब्रिज पर जो है छोटे छोटे खड्डे हैं, लाखों करोड़ों रुपए इस ब्रिज को बनाने में प्रशासन की ओर से खर्च किए गए थे। खड्डे जो है किस वजह से आए, इतने जल्दी खड्डे कैसे पड़े, वे इसकी स्थिति जो है अभी इसकी वजह जो है सामने नहीं आ पाई है लेकिन अभी फिलहाल जो है प्रशासन की ओर से इस खड्डे को बुझाने का काम जो है वो चल रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर कब जो है इस ब्रिज को आम लोगों के लिए खोला जाता है और कब जो है इस तरह के ट्रैफिक जैसी समस्याओं से उन्हें निजात मिलती है। वीडियो जर्नलिस्ट हर्षद कांबले के साथ राहुल पांडे, डीआरबी न्यूज़, मुंबई।